सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में हर रोज नए खुलासे के बीच एम्स ने इस मामले की जांच हत्या के एंगल से करने को कहा है। आपको बता दें कि सीबीआई ने एम्स की टीम को मुंबई आने के लिए भी कह दिया है। सीबीआई ने एम्स से सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच करते हुए उस पर राय मांगी थी, जिसके बाद एम्स ने सुशांत की फाइल की जाँच के लिए 5 फोरेंसिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया था। वहीं आपको बता दें कि सूत्र ने टीवी चैनल से हुई बातचीत में बताया कि एम्स द्वारा गठित फॉरेंसिक विशेषज्ञों के 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने सीबीआई की मदद करने के लिए मंगलवार को दिव्यांगत अभिनेता की ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच की थी। इसके साथ ही सुशांत की बिस्रा रिपोर्ट की जांच भी फॉरेंसिक टीम द्वारा की जाएगी और वे अपने निष्कर्ष शुक्रवार को सीबीआई के साथ शेयर करेंगे। आपको बता दें इससे पहले सोमवार शाम सुशांत की पोस्टमार्टम और अन्य रिपोर्ट्स को एम्स की टीम के साथ शेयर किया गया था। इस मामले की जांच पैनल का नेतृत्व कर रहे एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने पिछले हफ्ते कहा था कि हम हत्या होने के अलावा सभी संभावित एंगल से इसकी जाँच करेंगे। उन्होंने कहा था, हमारी टीम राजपूत के शरीर पर चोट के पैटर्न का भी विश्लेषण करेगी और सारी चीज़ों का जांच करेगी। आपको बता दें उन्होंने कहा था कि संरक्षित बिस्रा की जांच की जाएगी और जो भी एंटी डिप्रेशेंट सुशांत को दिए गए थे उनका विश्लेषण भी एम्स प्रयोगशाला में किया जाएगा। बीते शुक्रवार को सीबीआई ने मेडिको लीगल ओपिनियन के लिए एम्स के फॉरेंसिक विभाग से संपर्क किया था। शनिवार को एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में सुधीर गुप्ता ने यह बताया कि क्राइम सीन को जिस तरह से खराब किया गया था उस पर काफ़ी हैरानी जताई है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि क्राइम सीन की यथास्थिति को बरकरार नहीं रखा गया, उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, जिससे हो सकता है कि वो जगह फॉरेंसिक सबूतों की जांच के लिए अनुपयुक्त हो गई हो। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के सूत्र ने खुलासा किया है कि सुशांत के डीएनए उनके खून और अन्य अंगों से लिए गए नमूनों में से करीब 80% का इस्तेमाल मुंबई पुलिस कर चुकी है। सीबीआई यह काम बाकी बचे हुए 20% बिस्रा से करेगी। आपको बता दें कि बुधवार को हुए नए घटनाक्रम में महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस को नोटिस भेजा है। इसमें रिया चक्रवर्ती को मॉर्चरी में जाने की इजाज़त देने पर सवाल उठाए गए हैं। आयोग ने अस्पताल मैनेजमेंट और पुलिस से पूछा है कि किन नियमों के तहत रिया को परमिशन दी गई थी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह केस में मंगलवार को 5वीं जांच एजेंसी की भी एंट्री हो गई। सीबीआई, ईडी, बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बाद एनसीबी केस में शामिल होने वाली 5वीं एजेंसी है। ईडी ने रिया के व्हाट्सएप से डिलीट की गई चैट सीबीआई के साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी सौंपी है। ईडी ने जो चैट दी है उसमें रिया चक्रवर्ती का कथित तौर पर ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। 10 अगस्त को ईडी ने रिया और उनके परिवार के 4 मोबाइल हैंडसेट जब्त कर लिए थे। इनमें 2 फ़ोन रिया के हैं, एक उनके पिता और भाई का है। 2 आईपैड और 1 लैपटॉप भी ईडी ने कब्जे में लिया था। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए थे। दावा किया जा रहा है कि इसी जांच के दौरान ड्रग्स एंगल्स का खुलासा हुआ है। वहीं आपको बता दें 14 जून को सुशांत का शव बांद्रा के जिस फ्लैट में लटका मिला था उसमें उस वक्त 4 लोग थे, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज सिंह और केशव। नीरज ने एक बातचीत में सुशांत की मौत से पहले की कहानी सुनाई थी और जिसे अब सीबीआई खंगाल रही है कि उसमें कितनी सच्चाई है। तो और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से। सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।